आपके सामने एक ऐसी तस्वीर लेकर आने वाले हैं जहां पवन सिंह खेसारी लाल यादव को कुछ देते नजर आ रहे हैं और इस जो फोटोग्राफ्स की है सच्चाई भी बताएंगे कि क्या है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था जहां पे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ने एक साथ परफॉर्म किया था और वो उनके दोस्त की शादी थी और वहीं पर ये प्रोग्राम हुआ था। तब खेसारी लाल यादव ने वहां इतना बेहतरीन डांस किया था कि उससे इंस्पायर होकर उससे खुश होकर पवन सिंह ने उस वक्त उनके जेब में 500 की नोट डाल दी थी। पहले तो आप ये तस्वीर देखिए जहां पे पवन सिंह खेसारी लाल यादव के जहां पवन सिंह खेसारी लाल यादव के जेब में 500 की नोट डाल रहे हैं। जब पवन सिंह खेसारी लाल यादव के डांस से खुश होकर उन्हें पैसे देने जा रहे थे वो तब खेसारी लाल यादव को भी यकीन नहीं था कि पवन सिंह उन्हें कुछ पैसे देने आ रहे हैं। आपको ये सुनकर और ताज्जुब होगा कि खेसारी लाल यादव ने इसे मना नहीं किया, बकायदा इसे रखा है। आपको ताज्जुब तब होगा जब आपको ये पता चलेगा कि खेसारी लाल यादव ने ये नोट लेने से मना नहीं किया बल्कि उस नोट को वो रख लेते हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि खेसारी लाल यादव को स्टेज शो के दौरान जितने भी पैसे मिलते हैं वो अपने जेब में रखते हैं। सभी उनका इस पर मजाक भी बनाते हैं कि खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार्स को लोगों से पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन खेसारी लाल यादव का कहना है ये लोगों का प्यार है, दुलार है और इस प्यार दुलार को मैं रखता हूँ, इसे पैसा समझकर नहीं रखता हूँ, इसे वो खर्च नहीं करते हैं। और आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव को जो पवन सिंह ने यहाँ पैसे दिए स्टेज पर उसे भी खेसारी लाल यादव ने आज तक खर्च नहीं किया है, उसे रखा है। ये नोट 500 का था। हाँ, ये बात और है कि पवन सिंह और निरहुआ जब स्टेज शो करते हैं दर्शकों द्वारा दिए गए पैसे को नहीं रखते, बकायदा वो अपनी जो म्यूजिक मंडली है उसको दे देते हैं या उसमें बांट देते हैं। लेकिन ये बात बड़ी ही दिलचस्प थी। ये बात हमें बहुत अच्छी भी लगी कि एक स्टार दूसरे स्टार्स के डांस को बहुत पसंद करता है, उसकी कला को वो तारीफ करता है और तारीफ के बदले में वो उससे खुश होकर कुछ देता है। और ये दूसरा पार्ट खेसारी लाल यादव का बहुत अच्छा लगा कि वो उन चीज़ों को सहेज कर संजो कर रखते हैं। और ये स्टोरी हमें लगा कि आपके पास पहुंचनी चाहिए, सो इसलिए हमने आपके लिए स्पेशल इस फोटो को देखने के बाद और इसकी पूरी जांच करने के बाद ये स्टोरी बनाई ताकि आप लोगों को भी ये पता चल सके कि यहाँ आप ही नहीं खेसारी के लौंडा डांस या खेसारी के जो डांस वो स्टेज पे करते हैं उससे प्रभावित उनके को स्टार्स और उनके स्टार्स भी होते हैं, उनके जो साथ में लोग कार्य करते हैं वो भी काफ़ी इंस्पायर होते हैं इससे। आप जैसे कई लोग ही खेसारी लाल यादव के डांस को पसंद नहीं बल्कि उनके साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी उनके डांस को बहुत पसंद करते हैं और उनकी इस कला का एप्रिशिएशन भी करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।